गठबंधन की मजबूतियों को देखकर सभी लोग शामिल होना चाहते हैं बीएसपी के अंदर, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो भाजपा। पटना राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के साले साधु यादव महाराजगंज लोकसभा सीट से बहुजन समाज पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। बहुजन समाज पार्टी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष भरत बिंद ने इस बात की जानकारी दी। लालू यादव के साले साधु यादव बसपा में शामिल हो गए हैं और बसपा की तरफ से बिहार महाराजगंज सीट का प्रत्याशी बनाया गया है। महाराजगंज से बिहार महागठबंधन की तरफ से पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह के बेटे रणधीर कुमार सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं एनडीए ने भाजपा नेता जनार्दन सिंह सिग्रीवाल को मैदान में उतारा है। अब लालू के साले साधु यादव द्वारा चुनावी मैदान में उतरने पर इस सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला होगा। बड़े बेटे तेज प्रताप यादव के बाद अब साले साधु यादव के द्वारा बसपा की टिकट पर चुनाव लड़ने के फैसले ने लालू यादव की मुश्किलों को बढ़ा दिया है। गौरतलब है कि बिहार में कुल 40 सीटों पर 7 चरणों में मतदान होने हैं। पहले चरण में 4 सीटों पर गुरुवार को चुनाव है। अब राज्य में 11 अप्रैल 18 अप्रैल 23 अप्रैल 29 अप्रैल 6 मई 12 मई और 19 मई को वोटिंग होगी। वहीं 23 मई को चुनावों के परिणाम की घोषणा होगी। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।